तो बस यही है थंबनेल में, थंबनेल में कोई क्रिएटिविटी है नहीं इनके चैनल की, जो बाकी वीडियोस है उनमें भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की। तो मेरे को भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इनका गाना, इन्होंने पूरा पंजाबी में डाला हुआ है। बट तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज फिर हम बात करने वाले हैं पागल जोन के बारे में। तो दोस्तों ये पागल जोन जो है एक ही गाने के ऊपर दो दो रिएक्शन वीडियो बनाकर यूट्यूब से बिना फालतू का मोटा पैसा कमाना अच्छे से सीख चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आपसे यहाँ पे देख सकते हो कि पागल जोन अपनी पहली वीडियो के अंदर तो कहती है कि जो दीक्षा मैम का नया गाना है बेबी डोंट वॉन्ट यू, ये गाना जो है एकदम बेकार गाना है। तो वहीं दोस्तों कुछ ही घंटों बाद पागल जोन अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो अपलोड करती है जिसके अंदर पागल जोन कहती है कि दीक्षा मैम का ये नया गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों पागल जोन ने इससे पहले भी जो है अपनी वीडियो पर व्यूज लाने के लिए ऐसी बकवास वीडियो बनाई थी। कभी तो कहती है कि वारिस जावा गाना जो है बेकार गाना है, तो वहीं दूसरी वीडियो के अंदर कहती है कि ये गाना जो है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती और वही हाल है इस पागल जोन का, गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों अभी अभी बेबी क्वीन के चैनल पे एक नया म्यूजिक वीडियो अपलोड किया गया है जिसका नाम है बेबी डोंट वांट यू। तो यही वाला म्यूजिक वीडियो हम लोग साथ में मिलकर सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। तो क्या नाचोगे? पहले मैं उनका गाना सुनूंगी बिल्कुल ध्यान से और उसके बाद ही मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी कि मुझे क्या लगता है उनके गाने के बारे में। अरे क्या कहा पागल जोन की, तू जो है अपनी वीडियो के अंदर ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली है। तो पागल जोन मुझे तू एक बात बता कि आखिरकार तुझे ऑनेस्ट ओपिनियन का मतलब भी पता है? क्योंकि पागल जोन तेरी इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार तू जो है अपनी वीडियो के अंदर क्या बकवास ओपिनियन देने वाली है। रुको जरा, सबर करो। तो आप लोग जरूर मेरे इस ऑनेस्ट ओपिनियन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेरे ओपिनियन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो दोस्तों मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस पागल जोन को ये गलत फहमी कैसे हो गई कि जो इसके ऑनेस्ट ओपिनियन होते हैं वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। I don't know. तो दोस्तों आप सभी बताओ कि पागल जोन जो अपनी वीडियो के अंदर ओपिनियन देती है क्या वो इम्पोर्टेंट होते हैं? नहीं। अरे तो पागल जोन हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेरी वीडियो के अंदर जो तेरे ओपिनियन होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं बल्कि बकवास होते हैं, बिल्कुल तेरी वीडियो के थंबनेल की तरह। तो सबसे पहले अगर मैं इनके गाने के नाम की बात करूं बेबी डोंट वांट यू, तो ये नाम तो मेरे को एज अ पर्सन एज अ इंडियन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपने गाने का नाम भी इंग्लिश में रखा है। मेरे हिसाब से अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें अपने गाने का नाम हिंदी में रखना चाहिए बजाय कि इंग्लिश के। कुछ भी। अरे तो पागल जोन मुझे तू एक बात बता कि आखिरकार तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि दीक्षा मैम ने अपने गाने का टाइटल इंग्लिश में रखा? और हाँ पागल जोन तू अकेले ही इंडियन नहीं है बल्कि हम सब भी इंडियन है और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदी हमारी जो है मातृभाषा है। लेकिन पागल जोन तुझे भी एक बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि आज के समय में जितनी ज्यादा हिंदी जरूरी है उतनी ज्यादा जो है इंग्लिश भी जरूरी है। और वैसे भी पागल जोन भाषा कोई भी हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, बस हम सभी को उस भाषा की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। और पागल जोन मुझे तो एक बात बता कि जब तुझे इंग्लिश से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो तूने अपने पीछे बोर्ड पर इंग्लिश में क्यों लिखा है, इसे भी हिंदी में लिख लेती। कुछ अच्छा काम करो, अच्छी वीडियो बनाओ जैसे मैं बनाता हूँ। लेकिन इन्होंने तो अपने गाने का नाम ही यू नो इंग्लिश में रख दिया है तो वो चीज मेरे को यू नो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही है। बट कोई बात नहीं। इसी तरीके से अगर गाने के हम थंबनेल की बात करें तो थंबनेल भी काफी ज्यादा सिंपल है, थंबनेल में ज्यादा कोई क्रिएटिविटी मेरे को नहीं दिख रही है। अरे हाँ पागल जोन, तुझे कहाँ किसी के थंबनेल में कोई क्रिएटिविटी दिखती है। और वैसे भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर है और वो कितनी भी अच्छी वीडियो बनाए लेकिन तुझे तो वो सारी बेकार ही लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। थंबनेल में बस दीक्षा ने मैम ने यही किया है कि उन्होंने अपनी फोटो साइड में लगा दिया और यहाँ इधर गाने का टाइटल लिख दिया, गाने का नाम लिख दिया। तो बस यही है थंबनेल में, थंबनेल में कोई क्रिएटिविटी है नहीं इनके चैनल की, जो बाकी वीडियोस है उनमें भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो वो चीज़ तो मैं बोलूंगी मेरे हिसाब से थंबनेल में क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देख रहे हो आप इस पागल जोन को, मतलब वो लड़की दूसरों को ज्ञान बांट रही है जिसकी खुद की वीडियो के थंबनेल इतने बकवास होते हैं। और पागल जोन जिस तरीके से तो अपनी वीडियो के बकवास थंबनेल बनाती है, कभी तो टेक्नो गेमर्स को जान से मार दे, कभी आशीष चिंचलानी को, तो कभी ट्रिगर इंसान को, तो पागल जोन ऐसे बकवास थंबनेल से तो कई गुना बेटर इस गाने का थंबनेल है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ओके, तो ये गाना जो है ये इन्होंने पंजाबी में यू नो कह सकते हैं कि लिखा है और पंजाबी में ही सारी लिरिक्स लिखी गई है। इनका जो पिछला गाना था वारिस जावा वो भी पंजाबी में था। भाई मैं तो पंजाब की हूँ नहीं, मैं तो बिहार की हूँ, मेरे को तो समझ में भी नहीं आती पंजाबी ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इनके गाने में को मैं समझ सकूँ।
पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप। तो दोस्तों सुना आप सभी ने पागल जोन की इन बकवास बातों को, मतलब यार किसी बात की कोई हद होती है। इस पागल जोन को थोड़ी बहुत भी पंजाबी लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी ये पागल जोन जो है अपनी वीडियो पर व्यूज पाने के लिए इस गाने के ऊपर ऐसी बकवास रिएक्शन वीडियो बना रही है। क्योंकि यार मेरे सब सिंह को हिंदी में भी गाने लिख लेने चाहिए, या तो ये इंग्लिश में सारे गाने इनके होते हैं या तो पंजाबी में होते हैं। तो भाई ये बाकी लोगों का भी तो देखो, जिनको पंजाबी नहीं आती वो कैसे तुम्हारा गाना सुनेंगे? अरे तो पागल जोन, सभी लोगों की अपनी मर्जी होती है, वो अपना गाना किसी भी लैंग्वेज में यूज करे, तुझे इससे क्या मतलब है? और अगर तेरे से कोई बोले कि पागल जोन तू अपनी वीडियो जो है हिंदी में नहीं बल्कि साउथ लैंग्वेज में बनाया कर, तो क्या तू बनाएगी? नहीं। तो मेरे को भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इनका गाना, इन्होंने पूरा पंजाबी में डाला हुआ है। अरे तो पागल जोन, कोई कह के थोड़ी गया कि तू इस गाने को जबरदस्ती देख। जब पागल जोन तुझे ये गाना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो आखिरकार तू इस गाने को देख ही क्यों रही है? क्योंकि ना तू इस गाने को देखेगी और ना ही तू इस गाने के ऊपर ऐसी बकवास रिएक्शन वीडियो बनाएगी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तैनू की लगिया मैं रुल गई, मैंने को ये समझ में आया है लिरिक्स, लेकिन मेरे को इसका मतलब तो पता ही नहीं कि तैनू की लगिया मैं रुल गई इसका क्या मतलब होता है। तो मेरे हिसाब से गाना हिंदी में होना चाहिए था, पंजाबी में ना सुनने का मन कर रहा है ना मजा आ रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा तो मजा कैसे आएगा। तो दोस्तों देख रहे हो आप इस पागल जोन को, मतलब ये पागल जोन जो है व्यूज और पैसे की बहुत ही ज्यादा भूखी है। जब भी तो अपनी वीडियो के अंदर एक ही बात को बार बार रिपीट करके अपनी वीडियो को लंबा करे जा रही है। अरे तो पागल जोन, जब तुझे गाना समझ ही नहीं आ रहा तो इस गाने को देख ही क्यों रही है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरे हिसाब से हिंदी में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। और दोस्तों देख रहे हो आप यहाँ पे, मतलब जब पागल जोन इस गाने को देखती है तो शकल तो ऐसे बना के बैठती है जैसे कि इसको कोई थप्पड़ मार के चला गया हो। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा गाना पंजाबी में है, और जो गाने की मेन लिरिक्स है बेबी डोंट वांट यू नो नो मोर इस टाइप का, जो यू नो मोर जो मेन वाली लिरिक्स है वो इंग्लिश में है। तो गाना पंजाबी और इंग्लिश, जिनको इंग्लिश समझ में आती है वही गाना सुन सकता है, जिसको पंजाबी समझ में आती है वही गाना सुन सकता है, जिसको हिंदी आती है केवल समझ में वो तो सुन ही नहीं सकता, उसे समझ में नहीं आएगा क्या है गाना। तो दोस्तों पागल जोन की एक ही बात को बार बार सुन के मेरा भी इस बंदे के जैसा मन कर रहा है कि मैं भी अपना फोन घर से बाहर फेंक दूं। और पागल जोन, मुझे तो एक ही बात समझ नहीं आ रही कि तू इस गाने की इंसल्ट कर रही है कि गाना पंजाबी में है, या फिर तू अपनी इंसल्ट कर रही है कि गाना इतना बढ़िया है लेकिन तुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये मेरे को लगा था कि दीक्षा मैम के चैनल पे उनका म्यूजिक वीडियो आया तो सिर्फ वही होंगी गाने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी गाने में जो है ऋषि देव सर भी हैं, और जो दूसरे संजय सर है वो भी हैं, यानी कि तीनों भाई बहन इस गाने में हैं। तो आपने अपने अलग से चैनल पे क्यों डाला है? आप अपने जो मेन चैनल है रिमोरा ब्लॉग्स उसी में डाल देती, क्योंकि आप जो है अकेले तो आप कुछ करती नहीं है ना। तो दोस्तों पागल जोन की इन बकवास बातों को सुनकर मुझे तो यही लगता है कि पागल जोन जो है पहले तो थोड़ी बहुत ही पागल थी, लेकिन अब जो है कुछ ज्यादा ही पागल हो चुकी है, क्योंकि इस पागल जोन को जो है दूसरों के निजी मामलों में टांग अड़ाने की कुछ आदत सी पड़ गई है। अरे तो पागल जोन, कोई भी यूट्यूबर अपनी वीडियो के अंदर या फिर अपनी गाने के अंदर अपने भाई बहन को ऐड करे, अपने माता पिता को ऐड करे या अपनी पूरी फैमिली को ऐड करे, इससे तुझे क्या मतलब है? और पागल जोन, तुझे किसने मना किया है? तू भी अपनी वीडियो के अंदर अपने भाई बहन अपने माता पिता को बैठा लिया कर, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से तूने अपनी इमेज बनाई, तू कितनी भी अच्छी वीडियो बना ले तेरी वीडियो पर डिसलाइक और कमेंट में गाली मिलने वाली है। You are right, bro. पे लगाई मेहंदी सी गेंदी सी, कुछ इसका लॉजिक तो बन ही नहीं रहा है। आई थिंक आपके गाने में जो लिरिक्स है उसमें थोड़ा लॉजिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लॉजिक बिल्कुल यू नो माइनस में जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं है गाने में। बस बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे हाँ पागल जोन, किसी की भी वीडियो में या फिर किसी के भी गाने में कोई भी लॉजिक नहीं होता, क्योंकि सारे लॉजिक पॉइंट तो तेरी वीडियो के अंदर होते हैं। और वैसे भी अपनी वीडियो के अंदर बड़े बड़े यूट्यूबर को जिंदा ही जान से मारना, इससे बड़ा लॉजिक पॉइंट और क्या हो सकता है? ओके, तो अभी तक मैंने जो गाना इनका देखा है उसमें कोई डांस तो था नहीं, बहुत यू नो इजी कुछ एक खास स्टेप्स मैंने देखे हैं, डांस इन्होंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अरे क्या कहा पागल दीदी, कि इस गाने के अंदर कोई डांस स्टेप ही नहीं था, जो थे वो थोड़े इजी थे। रुक जा, अभी मैं तेरा डांस दिखा देता हूँ कि आखिरकार तू किस तरीके से डांस करती है। तो गाइस देखा आप सभी ने पागल जोन का धमाकेदार डांस, तो गाइस इस डांस को देखने के बाद मुझे तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है, पहले मैं हंस लेता हूँ।
और हाँ दोस्तों, आप सभी को पागल जोन का एक गजब का डांस कैसा लगा मेरे इस वीडियो कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों, पागल जोन तो अपनी वीडियो के अंदर ऐसे ही बकवास करती रहेगी, तो चलेगा इस सभी के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप सबको पागल जोन के ऊपर एक और ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट को भर देना, मैं जल्दी पागल जोन से रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फिर मिलता है आपसे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।